नमस्कार, मैं अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्विक चैनल पर। तो आज मैं आप सभी के सामने सिलबट्टे पे आम के और पुदीने की चटनी पीस कर दिखाऊंगी, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। और आजकल बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गया कि घुटने में दर्द, कमर में दर्द, शुगर, बीपी, बहुत सारा कारण हो गया है, क्योंकि आजकल सुविधाएँ बहुत बढ़ गई हैं। तो लोग सिलबट्टे एकदम बिल्कुल भूल ही गए। पहले के लोगों में बहुत पहले से लोग सिलबट्टे का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले के लोग को देखिए कि उन लोगों को बहुत कम दर्द होता है इस तरह का। और आजकल बहुत ही कम उम्र में लोगों को कमर दर्द, पैर में दर्द, घुटनों में दर्द, या शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, ये सब हो जाते हैं। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ सिलबट्टे पर पीस कर चटनी। बहुत ही स्वादिष्ट सिलबट्टे का चटनी होते हैं और फ़ायदे भी बहुत होते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि सिलबट्टे पर मैं पीस कर दिखाऊंगी। तो सिलबट्टे हैं, इसे सिलौटी भी बहुत जगह लोग बोला जाता है, सिलोरा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखे दो आम लिए हैं, कच्ची कैरी। यहाँ पे कुछ मैंने पुदीने लिए, पत्ते लिए हैं, ये मेरे अपने गार्डन के पुदीने हैं, बिल्कुल ताज़े। और यहाँ पे कुछ मैंने करी पत्ते लिए हैं, ये भी फ्रेश है। और यहाँ पे मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ ली हैं, जैसे छील लिया मैंने। और चार हरी मिर्च ली है। आप अपने अनुसार, स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा तीखा कर सकते हैं। ये बहुत तीखी नहीं होती, इसलिए मैंने चार लिया है। अब मैं आम को छील लूँगी और छील कर इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लूँगी। इस तरह से इसको ऊपर का पार्ट हटा कर मैं इसे छील लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने छील लिया। इसे पहले भी मैंने धो लिया था, फिर से मैंने छील कर इसे धो लिया है। देखिए, धो लिया था मैंने, अब इसे मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलबट्टे लोग भूलते जा रहे हैं आजकल की पीढ़ियाँ, और बीमारियाँ बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं। यही सब कारण है कि अब लोग आराम ज़्यादा पसंद करते हैं, कि फटाफट और आराम से जो काम हो जाए वही करते हैं। मिक्सी में लोग पीसना शुरू कर दिया, तो जो स्वाद ये सिलबट्टे का आएगा चटनी का, वो मिक्सी में बिल्कुल ही नहीं आएगा। मिक्सी में तो फटाफट पीस जाते हैं और शरीर को भी बहुत आराम मिलता है, लेकिन वो बात नहीं हो पाता जो सिलबट्टे की चटनी में होता है। इस तरह से पीस कर आप खाएंगे तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। ऐसे रोटी, पराठे या चावल दाल के साथ भी आप खा सकते हैं। इस तरह से मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ पहले दोनों आम के। कुछ लूँगी, कुछ के बाद मैं पीसूँगी। देखिए, यहाँ पे मैंने पानी लिया है, इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए और मैं इसे पीसूँगी। और इसी में मैं डाल लेती हूँ जो मैंने हरी मिर्च लिया था, इसे तोड़ लेती हूँ छोटे छोटे इस तरह से। और जो पुदीने के पत्ते मैंने लिए थे ये भी ले लेती हूँ, करी पत्ता और लहसुन, इन सभी को साथ में पीसूंगी इस तरह से। तो देखिए कितना अच्छा से पिसा गया है चटनी। मैं पिसाते जा रहा है, मैं आगे की तरफ बढ़ाते जा रही हूँ इस तरह से। इतना महीन हो गया है, तो हाथ का भी एक्सरसाइज हो गया अच्छे से और पिसा भी गया, कम घुटने का भी, सभी चीज़ का एक्सरसाइज हो गया इससे। देखिए, चटनी भी अच्छा बनकर तैयार होता है, बहुत ही स्वादिष्ट सिलबट्टे पे। और हमारा एनर्जी भी जो एक्स्ट्रा बचा रहता है वो भी वेस्ट हो जाता है, और बहुत सारे फायदे हैं। और इस चटनी के तो क्या कहने, सिलबट्टे की चटनी का तो बात ही अलग होती है, ये बात मिक्सी की चटनी में नहीं होते। तो देखिए कितने से चटनी मेरा पिसा गया है, तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। दिख रहे हैं इस तरह से, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इसमें मैंने करी पत्ता डाला है, उससे तो और भी स्वाद बढ़ जाएगा, और करी पत्ता भी बहुत फायदेमंद होता है। इस तरह से चटनी बनाकर आप ज़रूर खाइए, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, चटनी मैंने निकाल लिया है, तो अच्छा लग रहा है देखने में। अब मैं इसमें डालूँगी, यहाँ पर मैंने लिया है सरसों तेल है, मस्टर्ड ऑयल, और यहाँ पर नमक। स्वाद अनुसार नमक आप डालें, मैं एक चम्मच, छोटे चम्मच से एक चम्मच और आधा चम्मच, डेढ़ चम्मच डाल रही हूँ। और ये मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। तो आप सोचेंगे कि मस्टर्ड ऑयल कच्चा है तो इसका स्वाद अच्छा नहीं आएगा, कच्चे, लेकिन बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। एक बार इस तरह से चटनी बना के आप ज़रूर देखिए, ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और आप मिक्सी का चटनी खाना भूल जाएंगे, एक बार सिलबट्टे का चटनी इस तरह से पीस कर खा लेंगे तो इसे, मैं जैसा कि मैंने कहा, आप रोटी, पराठे या चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, किसी चीज़ के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्विक पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।